हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट कीवर्ड्स है कुकून। कुकून क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ कुकून इज एन इनवॉल्व स्ट्रक्चर। कुकून एक लिफाफे तरह का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड व्हेन द सिल्क वर्म स्केट्स अ फाइबर। ये कब बनता है? जब सिल्क वर्म एक फाइबर बनाता है मेड ऑफ प्रोटीन। और वो फाइबर किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से। एंड कवर्स इट सेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइबर। और ये सिल्क वर्म उस फाइबर से अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। दिस फाइबर बिकम सॉलिड व्हेन एक्सपोज टू द एयर। और ये फाइबर होता है स्टूडेंट्स, जब ये एयर के टच में आता है तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, लाइक अ स्टील विथ एक्सपोज टू द एयर। एंड फॉर्म्स अ कंपोस्ट स्ट्रक्चर एज कुकून। और एक कुकून का स्ट्रक्चर बना लेता है स्टूडेंट्स, जिन्हें हम कुकून के नाम से जानते हैं। द वर्म्स एट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। अब जो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिल्क वर्म है, इसे प्यूपा कहा जाता है, विच रिसाइड्स इनसाइड द कुकून एंड ग्रोज देयर। और ये जो कंप्लीटली कवर कर लिया अपने आप को उस फाइबर से जो प्रोटीन का बना हुआ था, उसे कुकून कहते हैं। और उस कुकून के अंदर जो प्यूपा होता है स्टूडेंट, वो धीरे धीरे अंदर बड़ा होते रहता है। कीवर्ड सेकंड है हमारा स्टूडेंट्स फ्लीस। फ्लीस क्या होते हैं? फ्लीस इज द कवरिंग और कोट ऑफ एन एनिमल लाइक शीप और गोट। फ्लीस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हेयर। किसी भी शीप और गोट के बदन पर जो बाल होते हैं उन्हें फ्लीस कहा जाता है। रीलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रीड्स फ्रॉम द कुकून। कुकून के अंदर से थ्रीड्स को निकालना फॉर यूज एज सिल्क, ताकि हम उन्हें सिल्क के रूप में यूज कर सकें, इसी को रीलिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। स्कोरिंग क्या कहलाता है? द शेयर्ड स्किन विथ हेयर। जो भी स्किन पहले शेयर्ड में, शेयरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? थिन लेयर ऑफ स्किन को काटा जाता है, उसके बाद स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग का मतलब है उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाता है। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर, जो भी पतली लेयर ऑफ स्किन उतारी गई है हेयर के साथ, थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स, उसे अच्छी तरह से एक टैंक में वॉश किया जाता है। टू रिमूव ग्रास ग्रीस, जो भी ग्रीस लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, डस्ट एंड डर्ट, जो भी गंदगी लगी हुई होती है उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, इसी को स्कॉरिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। कीवर्ड्स 5 है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वर्म्स को सिल्क हासिल करने के लिए पालना, यही सेरिकल्चर कहलाता है स्टूडेंट्स। कीवर्ड 6 है हमारा शियरिंग। शियरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। द फ्लीस ऑफ द शीप, शीप के बदन का बाल अलोंग विद अ थिन लेयर, एक थिन लेयर के साथ उतार लिया जाता है इसके बॉडी से, इसी प्रोसेस को शियरिंग कहा जाता है स्टूडेंट। कीवर्ड्स हमारा 7 है स्टूडेंट सिल्क मूथ। अ मूथ हुज लार्वा प्रोड्यूस सिल्क कोकून्स इज कॉल्ड सिल्क मूथ। सिल्क मूथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो सिल्क मूथ का लार्वा कोकून्स को प्रोड्यूस करता है वही सिल्क मूथ कहलाता है। लार्वा कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जो भी फीमेल सिल्क वर्म्स हैं वो अंडे देते हैं स्टूडेंट्स, तो उनसे लार्वा निकलते हैं। कीवर्ड्स 8 है हमारे स्टूडेंट्स सिल्क वर्म। द फीमेल सिल्क मूथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड सिल्क वर्म्स या कैटरपिलर्स। जो फीमेल सिल्क वर्म होते हैं स्टूडेंट्स, वो अंडे देते हैं जिसमें से लार्वा निकलती है, जिसे सिल्क वर्म्स कहा जाता है या कैटरपिलर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। कीवर्ड्स 9 है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आफ्टर स्कोरिंग द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। स्कोरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले तो शियरिंग होता है स्टूडेंट्स, जो भी थिन लेयर ऑफ स्किन बॉडी पर से उतार लिया जाता है शीप और गोट के बॉडी से,
फिर उसके बाद स्कोरिंग किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको अच्छी तरह से थ्रोली वॉश किया जाता है, अच्छी तरह से उसके गंदगी को साफ किया जाता है। फिर उसके बाद सॉर्टिंग होता है स्टूडेंट्स। सॉर्टिंग क्या होता है कि जो भी हेयर होता है उसे फैक्ट्री में सेंड किया जाता है, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, जो भी एज सेपरेटेड, जो भी अलग अलग, जो कड़े बाल हैं, जो नरम बाल है या जो मॉडरेट बाल हैं, जो भी है उनको अलग किया जाता है, जो छोटे हैं उनको अलग, जो बड़े हैं उनको अलग, मतलब सेपरेट किया जाता है अलग अलग प्रकार के बालों को, इसी को सॉर्टिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, इसी प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।